किचन के लिए जो चेंज कराना है। तो ये है कहाँ से आया, क्या प्रॉब्लम हो गया और बता दीजिए। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और घर का सारा काम कर चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हूँ। और रेडी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को जाना है बच्चों के एडमिशन के लिए। इनको ना स्कूल मुझे चेंज कराना है क्योंकि वो जो स्कूल अभी है वो मेरे को दूर पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ घर के पास वाला जो है ना, घर के नज़दीक रहे तो बेटर रहेगा। मैं कभी भी जा सकती हूँ बच्चों के स्कूल, वो बहुत दूर पड़ जाता है मेरे को। तो अभी जो है ना, मैं वहीं जा रही हूँ बच्चों को लेकर। साथ में बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे नहा धो के रेडी हैं, बच्चों को लेके जा रही हूँ। बच्चे बाहर हैं, बाहर से ही उनको ले लूँगी। और जो जैक है, जैक से मिलवाती हूँ मैं आपको। जैक, जैक जो है अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, खेल रहा था मेरे साथ। खाना नहीं खाया लेकिन इसने खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या हो रहा है। जैक, जैक क्या हो गया? तो जैक ने ना, देखो मैं दिखाती हूँ, बट ये ना खा नहीं रहा है। थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड होता है खाने के टाइम पे कि हाँ मेरा खाना रेडी हो रहा है। और खाने के लिए मतलब बोलता है कि मेरे को, मतलब उछलता है कि मेरे को खाना बन रहा है, मेरा खाना दे दो। तो ये खाना खाता है, थोड़ा सा खाता है लेकिन बहुत सारा छोड़ देता है, पता नहीं क्यों। और अब ये यहाँ आ गया है। क्या हो गया, क्या हो गया, खुजली हो रही है, नहीं नहीं करनी है। लेकिन मेरे को लगता है कि ना जब डॉग्स बीमार होते हैं ना, उनको नहलाना नहीं चाहिए। तो मैं इसको नहलाऊंगी नहीं। इसको खुजली जो है, हो सकता है कि गर्मी की वजह से हो रही हो, ये हो सकता है। और अभी मैं, अभी ठीक है लेकिन ये, लेकिन खेलता भी है पता नहीं, लेकिन ये ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके शायद फ्रेंड्स जो हैं उनको ये मिस करता है। तो सोचते हैं इसके बारे में कुछ डिसीजन लेते हैं। अभी फ़िलहाल बच्चों को लेके जाती हूँ स्कूल एडमिशन्स के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो पहले वहाँ जाती हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये है स्कूल। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्कूल देखकर। और अभी ना बहुत गर्मी हो रही है बाहर, बहुत परेशान हो गई मैं तो धूप के अंदर। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ऐसा हो गया जैसे पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, बहुत डेजर्ट से। हाँ डेजर्ट से, सच में ऐसा लग रहा है बाहर। अभी तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई हैं और अभी से इतनी गर्मी आ रही है। तो हम आए हैं तो जैक बेचारा ये देखो क्या कर रहा है। इसने आज कोई शैतानी नहीं करी, इसकी जो बेड शीट है ये भी अपनी जगह पे ही है। और हम आए ना तो ये आराम से निकल के आ गया। और इसने कोई भी गड़बड़ नहीं कर रखी है घर के अंदर, तो उसके लिए मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि थैंक यू बाबू, तूने कुछ नहीं कर रखा है ऐसे। और बहुत थक गई हूँ, स्कूल का एडमिशन यार बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल, बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत इतनी इतनी फीस यार कैसे पे करें समझ नहीं आता। और अंदर जो है ना, उन्होंने व्लॉग नहीं बनाने दिया। एक तो रोड पे बहुत रश था, तो मैंने बेटी के हाथ में फ़ोन नहीं दिया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी बच्ची है हाथ में से छीन के भाग सकता है इतने रश के अंदर। और स्कूल के अंदर जो है ना, उन लोगों ने मना कर दिया था कि एक स्कूल में तो क्या हुआ, उन्होंने बोला जो भी आप लेके आए हो ना वो यहाँ पर रख दीजिए काउंटर पर और फिर अंदर जाइए। तो हमें ना फिर मतलब सामान फ़ोन वगैरह वहीं रख दिया था। फिर क्या हुआ कि जिस दूसरे स्कूल में गई तो उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियोस वगैरह नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर एडमिशन हो जाता है बच्चों को तब मैं उनको, मैं आपको हमेशा स्कूल वगैरह दिखाया करूँगी। अभी इनके पापा से बात करनी है कि क्या करना है क्या नहीं स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत महंगी फीस है, बहुत ज़्यादा, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा कि मेरे को लग रही है भूख और बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो अभी देखते हैं क्या बनाना है। तो फ्रेंड्स मैंने ना अभी वाइट पास्ता बनाया था, ये देख सकते हैं आप। मैंने थोड़ा ही खाया है क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा स्पाइसी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ये मैंने बच्चों का दिल रखने के लिए बना लिया। और जैक को भी ये पसंद आ रहा है, जैक भी खा रहा है। और ये मेरे पास ही बैठा है, लड़ रहा है मेरे से, ये देखो ये रहा। अच्छा क्या है,
ओए अच्छा चलो गुदगुदी करते चलो चलो कीड़ी कीड़ी करते चलो। जैक डॉग्स को ना मजा आता है ऐसे मतलब अपने आप को ये खुजली करवाने में, इनको मजा आता है। हट जाऊंगी तो फिर देखेगा मेरे को। जैक फिर करूं ला अच्छा गुंडे ओहो मजा आ गया मजा आ गया। ओए होए ओए होए हट जा देखो फिर हट जाती हूँ। ओ गुंडे ओ गुंडे ये बनता जा रहा है पप्पी से खूंखार खूंखार कुत्ता भेड़िया कुत्ता नहीं ये है भेड़िया ये है भेड़िया ये बन चुका है भेड़िया ये बन चुका है भेड़िया तेरी तेरी चला ऐसे गंदा। मम्मा क्या कर रहे हो? ब्लॉक कर रही है। क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हो बाबू मेरे को ना नींद भी आ रही है। तो दोपहर में क्यों नहीं लेटे? तुझे पता है ना मैं दिन में नहीं सोती। अब मैं कर लूंगी किचन क्लीन, बर्तन गंदे हैं चाय के वो धो लेती हूँ, दोपहर के बर्तन गंदे हैं वो धो लेती हूँ मैं। मैं ना बर्तन धो चुकी हूँ, सारी किचन मेरी क्लीन है, बस वो कुकर भिगोया है मैंने थोड़ा सा, उसमें से जो सब्जी थी उसमें गल जाए तो मैं उसको धोऊंगी। और मेरे को जैक के लिए ना थोड़ा सा बुरा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना ये बोर हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उसको कहीं घुमा के ले आते हैं, थोड़ा सा इसका मन बहल जाएगा। वैसे ये सुबह शाम बाहर टहलता है जाता है, सुबह इनके इनके साथ चला जाता है और शाम को बच्चों के साथ भी जाता है और फिर रात को भी जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है ऐसा। जैक यहाँ अच्छा 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 यहाँ अच्छा यहाँ आओ ओए जैक ओ ओ ओ ओ ओ ओए खींचे मत कर, कभी कोई भी हो खींचना नहीं चाहिए। जैक क्या हुआ? घूमी घूमी चलना है? घूमी घूमी चले? चलो चलो जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी आओ आ जाओ। हाँ इसको घूमी घूमी जाना है, तो मुझे लगता है कि ना हमें इसको कहीं लेके जाना चाहिए जहाँ इसको इसके जैसे ही मिले, तो पूछती हूँ चले खाए किसको खिलानी थी। फिर चल इधर आ जाओ, चल खाना खा ले खा ले। तो बताओ, पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है इससे और क्या ही दोस्ती है।
खाने से पहले मैं चावल बना लेती हूँ फटाफट, और तेल भी बना लेती हूँ, क्योंकि भाई मैंने तो छोड़ दिया है रिफाइंड खाना, और ये जो तेल है ये कल का बचा हुआ है, जो हमने पकोड़े बनाए थे ये वो बच गया है, तो मैं इसी में बना रही हूँ। और तेल में बनाना कोई बुरी बात नहीं होती है, तेल को अच्छे से पकाओ तो अच्छा ही बनेगा, कोई स्मेल नहीं आती है। कच्चे तेल में जब कुछ हम डालते हैं ना, जब स्मेल आती है, तो अच्छे से तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, मैं पहले गैस बंद कर दूंगी, भैया बहुत तेज तो तेल गर्म हो रहा है, कभी छीट आवे मेरे ऊपर ही, थोड़ा सा होने देती हूँ नॉर्मल। हो गया है, चावल मैंने धो लिए हैं, धो के फटाफट डाल देती हूँ इनको। अबे जीरा तो डाला ही नहीं, कैसी कुकू मैं, डट जा, बिना जीरे के कौन से चावल बन रहे हैं। ये लो जी जीरा डाल दिया, तभी तो मैंने ना कुकिंग चैनल नहीं खोला। मुझे पता मैं कई चीजें भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है, फिर लोग कहेंगे ये क्या बनवा दिया, लोगों के राशन खत्म हो जाएंगे। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को, चावल डालते हैं। स्कूटी की चाबी जो है किसमें होगी, सोचो 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 सोचो, वो पहेलियां आती है ना यूट्यूब पे, स्कूटी की चाबी, अरे न्यूज़पेपर में भी आता है, बताओ तो जाने, बताऊंगा, बूझो तो जाने, नहीं पता। इनको नहीं पता कुछ भी, घर में नहीं रहते ये आदमी, बेकार है ये आदमी, बेकार है ये नमक है, ये सही है, ये डाल दिया। और ऐसे कह रहा था, नहीं आ रहा, वो बैठा हुआ यार। अब डाल देंगे पानी, अब डाल देंगे एक कप और पानी, मुझे बस सीटी लगानी है फटाफट, इसको चला देंगे बस, इनफ है इतना पानी। अब हम लगा देंगे सीटी कुकर की, भाई ये चावल है ना, ये दाने ये भी अंदर कर देंगे, बहुत मेहनत से आते हैं, और ढक्कन लगा देंगे, सीटी अभी लगाते हैं, सीटी ये रही, सीटी धोती हूँ ना मैं हमेशा अलग करके, ये देखिए तो इसलिए साफ रहती है, ये देख सकते हैं, ये गंद नहीं है, ये कहीं आप सोचो गंद है, ये इसका वो नट है, आई डोंट नो क्या है, छेद सा है। तो अब मैं इसको लगा रही हूँ, बन के रेडी हो जाएगी 10 मिनट में, तो अब मैं जैक का पानी गर्म कर देती हूँ। अरे यार जैक का पानी गर्म करना है, उसका खाना देना है, फिर इसको लेके चलेंगे दीदी के घर, वहाँ पर इसके साथ के फ्रेंड्स मिल जाएंगे इसको, तो ये ना खुश हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। और दीदी का मुंह भी मीठा कराना था गाड़ी के लिए, तो इसलिए फटाफट काम निपटाती हूँ, ये देखिए पे यार, ठीक है। यहाँ मेरे चावल भी रेडी होने वाले हैं, एक दो और ये लग भाई हो गई लग लग Thank you.
जैक बैठा है खाने के लिए, है ना जैक, है ना? फिर जल्दी जल्दी घूमी घूमी करके आएंगे अपने दोस्तों के पास। जैक हाँ पता है, अब पीछे लगा रहेगा अपने पापा के, खाना दे दो। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर स्कूल घूमने के लिए और जैक को साथ लेके जा रहे हैं, वो तो तैयार बैठा है देखो जाने के लिए, वो तैयार है कि चलो जल्दी चलो बस चलते हैं। चलो क्या हुआ, क्या गुम हो गया? पप्पी। कौन सा पप्पी? छोटा सा था ना। हाँ वो पता नहीं किसी ने गेट खोल दिया उसको, चला गया बाहर, वो एकदम छोटा सा था। अरे तो आ जाएगा कुकू, उधर डॉग आ रही है वहाँ से, इसका ध्यान रखियो बदमाश का, मतलब कि हमारी बात मानती है अच्छी बच्ची। हाँ चलो तुम बैठ जाओ फिर गाड़ी में बेटा, क्योंकि ये बदमाशी करेगा। हाँ अच्छे बनते हैं। थैंक यू। चाय किसने किसने चाय मैं लगी वो चिपक गए तो ओ कहाँ पे नहीं नहीं कोई नहीं और चाय खाने लगी ना वो वापस ही छुप गया। कहाँ लगी? ना लगी नहीं खेल गए। अच्छा ये बेड पे अच्छा अच्छा कॉमेडी देख रही है चाचू की। आपको देखकर मुंह बना ले तो समझ जाइए उसने आपके अंदर के शक्ति कपूर को देख लिया है। हो जाए तो गए जैसे बड़ा ये पहले तो हो जाता है।
जैक आज कैसा लगा मेरे बेटा को? क्या अच्छा लगा? थक गया ना, पानी चाहिए अब उसको पीने के लिए। पिला दिया, ये देखो कैसे कर रहा है। ओहो हो हो भाई, थक गए मेरा जैक, थक गया भाई। अब घर जाके बात करेंगे जैक से। तो अब हम आ चुके हैं जैक को घुमाकर, और दीदी के यहाँ पे गए थे। जैक ने वहां बहुत एंजॉय किया जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में। तो मैं ना अब खाना डाल रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। खाना डाल के खाती हूँ भाई, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, खाना खा लेती हूँ पहले। तो जैक जो है ना, इतनी मस्ती करने के बाद जो है ना, थक के सो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आपसे बोल तो दिया कि चलिए घर चल के आपको जैक से बात करवाती हूँ, बात करते हैं जैक से। और जैक तो बात करने की हालत में ही नहीं है, आप देखिए वो किस हालत में है। भाई साहब, इस कुत्ते के तो कुत्ते ही फेल है, देखिए। सो जा। नींद तगड़ी है इसकी, तगड़ी नींद है। और जब हमारी नींद खराब करता है ये कुत्ता। सो जा। आज तेरी जो हवा टाइट हुई है ना, आई नो दैट। सो जा। ओह जीभ देख इसकी, सांप सी। चल सो जा जंगली। तो ये सो चुका है, इसको सोने देते हैं। और हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, और हम इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।